जहां पर आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस। जी हां, आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर कार्यक्रम में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के सभी छात्र और स्टाफ यहां पर मौजूद है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, भोपाल भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी भी शामिल हुए हैं। भोपाल के गांधीनगर आरकेडीएफ कैंपस में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महानायक को गढ़ा, इसी धरती ने देवी अहल्याबाई होलकर, रमाबाई अंबेडकर जैसी महान नारियां हमें दी। इसी धरती ने लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, आनंद कन्हरे, दादा साहब पोटनीस, चाफेकर बंधु जैसे अनेक सपूत हमें दिए। नासिक पंचवटी की इस भूमि में प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। मैं आज इस भूमि को भी नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैंने आह्वान किया था कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मेरे युवा साथियों, हमारे देश के ऋषियों, मुनियों, संतों से लेकर सामान्य मानवी तक सभी ने हमेशा युवा शक्ति को सर्वोपरि रखा है। श्री अरविंद तो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें, भारत के युवाओं के चरित्र, उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। श्री अरविंदो स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन आज 2024 में भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है। तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है।
आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है, आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है, आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, तो इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। साथियों, समय हर किसी को अपने जीवन काल में एक सुनहरा मौका जरूर देता है। भारत के युवाओं के लिए समय का वो सुनहरा मौका अभी है, अमृत काल का ये कालखंड है। आज आपके पास मौका है इतिहास बनाने का, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। आप याद करिए, आज भी हम सर एम विश्वेश्वरैया की याद में इंजीनियर्स डे मनाते हैं। उन्होंने 19वीं और 12वीं शताब्दी में अपना जो इंजीनियरिंग कौशल दिखाया, उसका आज भी मुकाबला मुश्किल है। आज भी हम मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं। उन्होंने हॉकी की स्टिक से जो जादू दिखाया, वो आज तक लोग भूल नहीं पाए। आज भी हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों को याद करते हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से अंग्रेजों को पस्त करके रख दिया था। आज हम महाराष्ट्र की वीर भूमि पर हैं। आज भी हम सभी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण का एक माध्यम बनाया। आजादी के पहले के कालखंड में ऐसे सभी महान व्यक्तित्वों ने देश के लिए काम किया। वो जिए तो देश के लिए, वो जूझे तो देश के लिए, उन्होंने सपने संजोए तो देश के लिए, उन्होंने संकल्प किए तो देश के लिए, और उन्होंने देश को नई दिशा दिखाई। अब अमृत काल के इस कालखंड में आज वो दायित्व आप सभी मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। अब आपको अमृत काल में भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाना। आप ऐसा काम करिए कि अगली शताब्दी में उस वक्त की पीढ़ी आपको याद करे, आपके पराक्रम को याद करे। आप अपने नाम को भारत और पूरी दुनिया में, दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको 21वीं सदी के भारत की सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी मानता हूं। मैं जानता हूं आप ये कर सकते हैं। भारत के युवा ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मेरा सबसे ज्यादा भरोसा आप सभी पर है।
भारत के युवाओं पर है। मैं मेरा युवा भारत संगठन से जिस तेजी के साथ देश के कोने कोने में युवा जुड़ रहे हैं उससे भी बहुत उत्साहित हूं। मेरा युवा भारत माय भारत संगठन की स्थापना के बाद ये पहला युवा दिवस है। अभी संगठन को बने 75 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और 1,10,00,000 के आसपास युवा इसमें अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। मुझे विश्वास है आपका सामर्थ्य, आपका सेवा भाव देश को, समाज को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आपका प्रयास, आपका परिश्रम युवा भारत की शक्ति का पूरी दुनिया में परचम लहराएगा। मैं माय भारत संगठन में रजिस्टर कराने वाले सभी युवाओं का आज विशेष अभिनंदन करता हूं और मैं देख रहा हूं माय भारत में रजिस्ट्रेशन में हमारे युवा और हमारी युवतियां दोनों के बीच में कंपटीशन चलती है कौन ज्यादा रजिस्ट्री करवाए। कभी युवक आगे निकल जाते हैं, कभी युवतियां आगे निकल जाती हैं, बड़ी जोरों की स्पर्धा चल रही है। साथियों, हमारी सरकार को अब 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे, युवाओं के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करें। आज चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, एंटरप्रेन्योरशिप या इमर्जिंग सेक्टर्स हो, स्टार्टअप्स हो, स्किल्स या स्पोर्ट्स हो, देश के युवाओं को सपोर्ट करने के लिए हर क्षेत्र में एक आधुनिक डायनेमिक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। आपको 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। युवाओं के लिए अब देश में आधुनिक स्किलिंग इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। हाथ के हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। पीएम कौशल विकास योजना की मदद से करोड़ों युवाओं को स्किल से जोड़ा गया है। देश में नए आईआईटी, नए एनआईटी लगातार खुलते जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत को एक स्किल फोर्स के रूप में देख रही है। विदेश में हमारे युवा अपना कौशल दिखाया पाए इसके लिए सरकार विदेश जाने वाले युवाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ऑस्ट्रिया जैसे अनेक देशों के साथ सरकार ने जो मोबिलिटी समझौते किए हैं उसका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। साथियों, युवाओं के लिए नए अवसरों का आसमान खोला जाए, सरकार इसके लिए हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम कर रही है। देश में
ड्रोन सेक्टर के लिए नियम सरल बनाए गए हैं। सरकार आज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है। एटॉमिक सेक्टर, स्पेस और मैपिंग सेक्टर को भी खोला गया है। आज हर क्षेत्र में पिछली सरकारों से दोगुनी तिगुनी रफ्तार से काम किया जा रहा है। ये जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं वो किसके लिए है? आपके लिए, भारत के युवाओं के लिए। ये जो नई नई वंदे भारत ट्रेनें चल रही है वो किसकी सहूलियत के लिए है? आपके लिए, भारत के युवाओं के लिए। हमारे लोग विदेश जाते थे, वहां के पोर्ट, वहां के एयरपोर्ट देखकर सोचते थे कि भारत में ऐसा कब होगा। आज भारत के एयरपोर्ट्स दुनिया के बड़े से बड़े एयरपोर्ट का मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना के समय आपने देखा है, विदेशों में वैक्सीन के सर्टिफिकेट के नाम पर कांगड़ थमाया जाता है। ये भारत है जिसने हर भारतवासी को वैक्सीन लगाने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट दिया। आज दुनिया के कितने ही बड़े देश हैं जहां पर लोग मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचते हैं, वहीं आप भारत के युवा हैं जो इतना सस्ता मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं कि दुनिया के लोगों के लिए अजूबा है, कल्पना से परे है। साथियों, आज देश का मिजाज भी युवा है और देश का अंदाज भी युवा है, और जो युवा होता है वो पीछे नहीं छोड़ता, पीछे नहीं चलता, वो स्वयं लीड करता है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी भारत फ्रंट से लीड कर रहा है। चंद्रयान और आदित्य L1, उसकी सफलता हमारी आंखों के सामने है। मेड इन इंडिया INS विक्रांत जब समंदर की लहरों से टकराता है तो हम सभी का सीना चौड़ा हो जाता है। जब लाल किले से मेड इन इंडिया तोप गरजती है तो देश में एक नई चेतना जग जाती है। जब भारत में बना फाइटर प्लेन तेजस आसमान की ऊंचाई नापता है तो हम गर्व से भर जाते हैं। आज भारत में बड़े बड़े मॉल से लेकर छोटी छोटी दुकान तक हर तरफ UPI का इस्तेमाल हो रहा है और दुनिया हैरान है। अमृतकाल का आरंभ गौरव से भरा हुआ है। अब आप युवाओं को इस अमृतकाल में इससे भी आगे लेकर जाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। साथियों, आपके लिए ये समय सपनों को विस्तार देने का समय है। अब हमें केवल समस्याओं के समाधान नहीं खोजने हैं, हमें केवल चुनौतियों पर विजय नहीं पानी है, हमें खुद अपने लिए नए चैलेंजेस तय करने होंगे। हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य सामने रखा है। हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के सपने को सिद्धि देनी है। हमें सर्विसेज और IT सेक्टर की तरह भारत को विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाना है। इन आकांक्षाओं के साथ साथ भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौती हो,
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना हो, हमें लक्ष्य बनाकर तय समय में इन्हें प्राप्त करना है। साथियों, अमृतकाल की आज की युवा पीढ़ी पर मेरे विश्वास की एक और वजह है, और वो खास वजह है, इस कालखंड में देश में वो युवा पीढ़ी तैयार हो रही है जो गुलामी के दबाव और प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। इस पीढ़ी का युवा खुलकर कह रहा है, विकास भी और विरासत भी। ये लोग, आयुर्वेद तो हमारे देश में, योग हो या आयुर्वेद हो, हमेशा भारत के लिए एक पहचान के रूप में रहा है, लेकिन आजादी के बाद इन्हें ऐसे ही भुला दिया गया। आज दुनिया इन्हें स्वीकार कर रही है। आज भारत का युवा योग आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। साथियों, आप अपने दादा दादी, अपने नाना नानी से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि उनके दौर में रसोई में बाजरे की रोटी, कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, यही तो हुआ करता था। लेकिन गुलामी की मानसिकता में इस अन्न को गरीबी के साथ जोड़ दिया गया, इन्हें रसोई से बाहर कर दिया गया। आज यही अन्न मिलेट्स के रूप में, सुपर फूड के रूप में वापस रसोई में पहुंच रहे हैं। सरकार ने इन मिलेट्स को, मोटे अनाज को श्री अन्न की नई पहचान दी है। अब आपको इन श्री अन्न का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। श्री अन्न से आपकी सेहत भी सुधरेगी और दोस्त देश के छोटे किसानों का भी भला होगा। साथियों, आखिर में मैं एक बार राजनीति के माध्यम से देश की सेवा की भी करूंगा। मैं जब भी ग्लोबल लीडर्स या इनोवेटर से मिलता हूं तो उनमें मुझे एक अद्भुत आशा दिखती है। इस आशा की, इस आकांक्षा की एक वजह है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, राष्ट्र का भविष्य उतना ही बेहतर होगा। इस भागीदारी के कई तरीके हैं। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया है। लोकतंत्र में भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपनी राय वोट के जरिए जाहिर करें। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बार जीवन में पहली बार वोट डालेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे लोकतंत्र में नई ऊर्जा और शक्ति ला सकते हैं। इसलिए वोट करने के लिए आपका नाम लिस्ट में आए, इसके लिए जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। आपके पॉलिटिकल व्यूज से ज्यादा जरूरी है कि आप देश के भविष्य के लिए अपना वोट डालते हैं, अपनी भागीदारी कराते हैं। साथियों, अगले 25 वर्षों का यह अमृतकाल आपके लिए कर्तव्य काल भी है। जब आप अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखेंगे तो समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको कुछ सूत्र याद रखने होंगे। जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करिए। किसी भी तरह की ड्रग्स और नशे की लत से बिल्कुल दूर रहिए।
इन्हें अपने जीवन से दूर रखिए और माताओं बहनों बेटियों के नाम अपशब्दों का गालियों का इस्तेमाल करने का जो चलन है उसके खिलाफ आवाज उठाइए, इसे बंद करवाइए। मैंने लाल किले से भी इसका आग्रह किया था, आज फिर से दोहरा रहा। साथियों, मुझे विश्वास है आप सब हमारे देश का एक एक युवा अपने हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सामर्थ्य से पूरा करेगा। सशक्त समर्थ और सक्षम भारत के स्वप्न की सिद्धि का जो दीप हमने जलाया है वो इसी अमृतकाल में अमर ज्योति बनकर विश्व को प्रदीप्त करेगा। इसी संकल्प के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से आप जिस राज्य से आए हैं वहां तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे।